घोषणा होने के बाद इस तरह की घटना घट रही है मुर्शिदाबाद में, क्या बोलेंगे? देखिए, आशंका हमारे थे वो आशंका सही साबित हो रहे हैं। सिर्फ मुर्शिदाबाद नहीं, सारे बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी अपने पुलिस बल पर अपने गुंडेगर्दी करते हुए ये चुनाव को, जिसमें आम लोगों के भाग लेना अधिकार है, ये अधिकार आम लोगों को नहीं देना चाहते, और इसी के चलते सारे बंगाल में इस तरीके की माहौल पैदा किया जा रहे हैं, जहां भय, भेद, आतंक और अत्याचार, हिंसा और तनाव की स्थिति तय हो चुके हैं। पुलिस यहाँ चुप्पी साधी हुए हैं। बंगाल के जो इलेक्शन कमिश्नर, वो भी ये सरकार की ये एक और एक नुमाइंदे माना जाते हैं। सरकार की चापलूसी करना उनका फर्ज बनते हैं। वो उनके कोई दम नहीं है, कोई क्षमता नहीं दिया गया है। इसलिए हम लोग शुरू के दिन से गुहार लगाते आ रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से अगर सेंट्रल फोर्स को तैनात किया जाए तो आम लोग चुनाव में निडर होकर शिरकत कर पाएंगे, नहीं तो बंगाल में इस तरीके की दहशतगर्द ये चलते रहेंगे। ये दहशतगर्द की घटना सिर्फ खड़गम में हुई नहीं, सारे मुर्शिदाबाद और सारे बंगाल में होने जा रहे हैं, हो रहे हैं। ये सोची समझी तरीके से, ये सुनियोजित तरीके से ये हमारे ऊपर हमलावर करते हुए हमारे पार्टी को और साथ साथ विपक्ष लोगों को डराने का कोशिश किए जा रहे हैं सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से, क्योंकि वो जानते हैं अगर आम लोग चुनाव में हिस्सा ले तो सारे मुर्शिदाबाद से उनकी सुप्रसव होना तय है। इसीलिए वो नहीं चाहते कि मतलब ये मुर्शिदाबाद में शांति से, चैन से कोई चुनाव हो। इसीलिए इस तरीके की दहशतगर्द की माहौल पैदा किया जा रहे हैं, वो भी सुनियोजित तरीके से, वो भी यहाँ की पुलिस के मदद से। ये मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।